समुद्र की तरह बनो। समुद्र के किनारे जब एक तेज लहर आई तो एक बच्चे का चप्पल ही अपने साथ बाहर ले गई। बच्चा रेत पर उंगली से लिखता है, समुद्र चोर है। उसी समुद्र के दूसरे किनारे पर एक मछुआरा बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेता है। वह उसी रेत पर लिखता है, समुद्र मेरा पालनहार है। उसी समुद्र में एक युवक डूबकर मर जाता है। उसकी माँ रेत पर लिखती है, समुद्र हत्यारा है। एक दूसरे किनारे पर एक गरीब बूढ़ा टेढ़ी कमर लिए रेत पर टहल रहा था। उसे एक बड़े सीप में एक अनमोल मोती मिल गया। वह रेत पर लिखता है, समुद्र बहुत बड़ा दानी है। अचानक एक बहुत बड़ी लहर आती है और सारा लिखा हुआ मिटाकर चली जाती है। मतलब समंदर को कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों की उसके बारे में क्या राय है। वो हमेशा अपनी लहरों के संग मस्त रहता है। अगर विशाल समुद्र बनना है तो जीवन में कभी भी फिजूल की बातों पर ध्यान ना दे। अपने उत्साह, शौर्य, पराक्रम और शांति से समुद्र की भांति अपने हिसाब से तय करे। लोगों का क्या है, उनकी राय परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है। आशा करती हूँ छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।